नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एमएलवी वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भगतपुर में शादी के 20 दिन बाद युवती की मौत। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव भगतपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवती की शादी के 20 दिन बाद मौत हो गई। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। डिलारी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी मोवीन ने अपनी बेटी गुलसिता परवीन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ भगतपुर के गांव निवासी युवक रफीक के साथ की थी, दान दहेज देकर की थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका के ससुराल वाले 1 लाख रुपए बुलेट मोटरसाइकिल उससे दान दहेज की मांग करने लगे, जिससे मृतका महिला के परिजन गरीब परिवार से हैं। मृतका के परिजनों को आरोप है कि ससुराल वालों ने मौत के घाट उतारा है। परिजनों को जब जानकारी हुई तो मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार का कहना है कि शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद संवाददाता जुल्फकार अली की रिपोर्ट। किस टाइम तो अंदर क्या हुआ? अरे वो है बैंड अभी भी अरीना वाले क्या सुनो देखा है क्या हुआ। मैं तेरे नवगाज से तुम्हें उठा कर आओ। क्या क्या नाम है इसका? कहाँ के सुल्तान तो नाम क्या है? पिता का नाम क्या? पिता नाम नाम क्या है मेरे याद ना आ। कितने दिनों पहले खा दिया? कैसे बुझूंगा तुम लोग? कैसे हो? कैसे हो? इनकी मौत कैसे हुई? ये मतलब में क्या पता चला, ये सोलिटी थी इसी टाइम रात में अंदर चली गई। आप ये ससुर है